आखिर क्यों उस मैम साहिबा को इजाजत दी आप सबने जॉब करने की? खुद तो निकल गए यहाँ से, मियाँ गर्मी में सड़ रहे हैं, इससे अच्छा था मैं खुद ही नौकरी कर लेती। आ है तुझे कहाँ नौकरी किसी ने देनी थी, वो तो पढ़ी लिखी है इसलिए उसे नौकरी मिल गई। वो क्या किया हुआ उसने? MBA अम्मा। हाँ वही, इसलिए नौकरी मिल गई है, तुम्हें किसने मुंह लगाना है? फिर भी अब घर के सारे काम हम करेंगे, खुद तो वो एसी वाले ऑफिस में बैठ बैठ कर आएंगे और ऐसे एहसान जताएंगे जैसे बहुत बड़ा काम कर कर आएंगे। एहसान तो सारी जिंदगी मैंने किसी को जताने नहीं दिया, उसे क्या खास जताने दूंगी? मैंने थोड़ी मजबूर किया उसे नौकरी करने को, अपनी मर्जी से कर रही है करते फिर, घर के कामों से छूट थोड़ी दूंगी उसे। ज्यादा बातें ना करना, जल्दी जल्दी आटा गूंथ, भाई को भूख लगी हुई है, कब से चिल्ला रहा है भूख भूख। इसको और आता ही क्या, हमारे ऊपर सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा, पहले कमाता था रोक डालता वो बुरा नहीं लगता था, अब किस बात का हुक्म चलाता है मुझ पर? अल्लाह करे मेरी भी कहीं शादी हो जाए, मैं इस टेंशन के माहौल से जल्दी से निकलूं। हाँ हाँ कर दूंगी तेरी भी शादी। ज्यादा शादी शादी बोल रही है, लड़कियां जहर लगती है मुझे शादी शादी बोलते हुए, काम करना आता नहीं शादी की पड़ गई इसे, उधर जाएंगे तेरे भी जा, काम करते हुए मौत पड़ती है। मैं कम इन सर। जी आइए बैठिए। जी सर आपने मुझे बुलाया था सर। जी जुबैर साहब, ये किसी नई वैकेंसी के लिए इंटरव्यू हो रहे थे क्या? जी सर हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं, उस सिलसिले में हमने ऐड दिया था तो उसी के इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं सर। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? सर वो मैडम की एडवाइस थी कि मैं खुद ही इंटरव्यू ले लूं और वो नहीं चाहती थी कि छोटे मोटे कामों के लिए आपको जहमत दी जाए सर। ओके ठीक है। मैं आई लीव सर। जी ठीक है। थैंक यू सर। इतनी गर्मी, दाल तो अच्छी बनी है। आए, आए, आए। इतना काम का लोड आ गया मुझ पर, आपको जरूरत क्या थी हादिया को इजाजत देने की? भाई क्यों इजाजत नहीं देता, क्या कह के मना करता? यही कि कानून का खजाना दफन है हमारे पास जो हम जिंदगी भर निकाल निकाल कर खर्च करेंगे। अगर घर में कोई काम करना चाहता है तो उसे करने दो, और किचन में काम कर करके जो मैं पागल हो रही हूँ वो राफिया को शामिल कर लो, वो भी फारिग बैठे बैठे परवेज की तरह बनती जा रही है। कल को तुम उसकी शादी करोगी तो ससुराल वाले एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हाँ शादी से याद आया, उसकी शादी भी तो करनी है, उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब तो वो लड़की खुद मुंह से रिश्ता मांगने लगी है। सियाने कहते हैं जब बेटी अपने मुंह से रिश्ता मांगे तो समझो पानी सर से ऊपर हो गया, जब माँ बाप डूब जाएंगे या फिर लड़की। हाँ राफिया की मुझे भी बहुत फिक्र रहती है, लेकिन हालात तुम्हारे सामने हैं, अगर दो पैसे होते तो मैं कब का इस फर्ज से फारिग हो गया। रिश्ते वाले को कहती हूँ कोई रिश्ता ढूंढ के दे। अगर रिश्ता देखने का इतना शौक है ना तो अपने जैसे लोग तलाश करो, सजीला की तरह ऊंची छलांगे मत लगाना। वो साफ साफ कह देना कि अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं है, शरीफ हो बेशक गरीब हो सादगी से ब्याह कर ले जाए। सादगी से ब्याह कर ले जाए, बेटी क्या सोचेगी, सौतेली है वो, ना कुछ लिया ना दिया ऐसे शादी कर दी। बच्चों को हकीकत का सामना कराना सिखाओ, ऊंचे ख्वाब दिखाना छोड़। क्या चाहती कि तुम्हारे चक्रों में तुम्हारा बेटा फिर वही दो नंबरी के काम शुरू कर दे जिसकी पैदाइश में हमारे हाथ से सब कुछ चला गया, यहाँ तक के इज्जत भी। दे लिया आपने लेक्चर, हो गए पूरे खाने खाने? कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझाने का, वैसी की वैसी रहोगी तुम तो।
ले जाओ खाना, मैंने नहीं खाना, नहीं खाना। सलमा बीबी तो घर पे नहीं है। अच्छा उनकी बहू है ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप इनके लिए चाय बना दें। आंटी आप बैठी ना। आज तो मैं स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। कौन सी वाली बात? यही कि हाशिम से तुम्हारी रिश्तेदारी है। हाँ जी आंटी, हाशिम मेरे खालू का भतीजा है। और मेरी जो भाभी है उनका निकाह पहले हाशिम के साथ हुआ था। अच्छा तो फिर ये रिश्ता टूटा क्यों? क्या जबरदस्ती का था? नहीं नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा फिर कोई तो वजह होगी ना, तभी तो ये रिश्ता टूटा। हाशिम ने एक मकान हक महर के तौर पर हादिया के नाम पर किया था और फिर उसने अचानक से वो मकान वापस लेकर बेच दिया। शायद इसी बात पर तलाक हुई उनकी। अरे अंबर तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। मेहमानों को चाय पानी का भी पूछते हैं। बस मैं अभी लेकर आई। और बताओ कैसी हो? बस तुम बताओ कहाँ गई हुई थी? एक जरूरी काम से गई थी। तुम कितनी देर हुई आई हो? बस अभी भी आई हूँ। अच्छा। क्या हो गया? अच्छा किरण तुम जानती हो हाशिम की पहली बीवी कौन थी? उसने पहले शर्जीला की भाभी से निकाह किया था। और तलाक कैसे हुई तुम तो अच्छी तरह जानती होगी ना बेटा। किरण को खुशी देने के लिए कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर गई? जो शख्स अपनी बीवी को एक घर हथियाने के लिए छोड़ सकता है उसकी नजर जरूर किरण की जायदाद पर भी होगी। कि लड़का बहुत होशियार है और किरण उतनी ही सिंपल। मुझे हर लम्हा अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। हाँ किरण बोलो। मम्मी आप कहाँ हैं? आपको पता है मैं कितनी बोर हो रही हूँ। क्यों हाशिम नहीं आया? नहीं वो कह रहे थे आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। किरण तुम जानती हो हाशिम की पहली बीवी कौन थी? उसने पहले शर्जीला की भाभी से निकाह किया था। और तलाक कैसे हुई तुम तो अच्छी तरह जानती होगी ना बेटा। मम्मी हाशिम ने मुझे बताया था कि उसका पहला निकाह खत्म हो गया है, अब चाहे वो सजीला की भाभी हो या मिस वर्ल्ड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी टेंशन ना लें। और मम्मी प्लीज इस टॉपिक पे आप हाशिम से कोई बात नहीं करेंगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उसे इसी तरह चलने दें। उसने पहले शर्जीला की भाभी से निकाह किया था। और तलाक कैसे हुई तुम तो अच्छी तरह जानती होगी ना बेटा। वालेकुम सलाम। जीती रहो। थक गई होगी? जी आपकी तबीयत कैसी है? वैसे ही बेटा, काश मैं अच्छा होता तो आज तुम्हें ये सब कुछ ना करना पड़ता। आपदा अजमेर जाने क्या सोच रहे होंगे कि बेटी को किस जहन्नुम में झोंक दिया है।
आप है ना यहाँ मेरे लिए, और वैसे भी खुलूस मोहब्बत की एक बूंद ही काफी होती है दोजख की आग को ठंडा करने के लिए। आप बस मेरे लिए दुआ करें। जीती रहो बेटा, खुश रहो, जाओ आराम करो। और सुनो, कोई फरमाइशी खाने पकाने की जरूरत नहीं है। मुजाहिदों को कहता हूँ कि वो अपने नकट्टू बेटे की फरमाइशें खुद पूरी करें। खालू, जरा सा खाना बनाने में मैं थक नहीं जाऊंगी, बस आप दुआ करें कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए, क्योंकि इसी तरह अगर मैं फरमाइशी खाने बनाती रही तो जो बची कुची जमा पूंजी है वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। चलिए अब आप आराम करें और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम करें। अरे आ गई मेरी इकलौती बेगम। हाशिम, हम्म, तुम्हारी पहली शादी क्यों खत्म हुई थी? अच्छी भली प्यारी लड़की थी, और अगर खत्म हो ही गई तो बिला वजह उसके शौहर से उलझते रहते हो, उस पे गुस्सा करते हो, बहाने बहाने से उसे जलील करते हो। यानी अपनी शादी खत्म होने की वजह से उस पर गुस्सा करते हो, क्यों? ये तुम क्या कह रही हो, किस पे गुस्सा उतारता हूं? परवेज, तुम्हारा कजन, उसकी बीवी ही तुम्हारी पहली बीवी थी, हादिया, है ना? हाँ। क्यों छुपाया तुमने मुझसे, क्यों नहीं बताया मुझे? किरण, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, और वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है और हमारी भी। लफ्जों का हेर फेर मेरे साथ मत करना। इसीलिए तुम्हारा रवैया परवेज के साथ तल्ख रहता था, क्योंकि उसने तुम्हारी साबका बीवी से शादी कर ली थी, और मुझे तुम कहते रहे कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो क्या उसका कैरेक्टर अच्छा? जो कुछ भी हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा है उस दिन जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई थी। इतना ही बुरा था तो हादिया ने उसे शादी क्यों की? एंड बाय द वे, तुमने उसे क्यों तलाक दी? ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इन्हें और छोड़ो इन सबको। तुमने छोड़ दिया है? हाँ, अगर मैंने नहीं छोड़ा होता ना तो मैं तुमसे शादी कभी ना करता। छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा माजी, मुझे तुम्हारे माजी से कुछ लेना देना नहीं, तब तक जब तक वो मेरे हाल को मुतासिर ना करने लगे। मेरे हाल में तुम हो, सिर्फ तुम। किरण रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमारी शादी हुई है और all you need to do is just believe on me। शादी क्यों खत्म हुई थी तुम्हारी? अब तुम मेरे माजी को बीच में लाके ना अपना हाल खराब कर रही हो। भूल जाओ इस चीज को, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। जानती हो ये तजस्सुस बहुत ही बुरी चीज है, जहन में आग लगा देता, और जब इंसान के पास नामुकम्मल मालूमात हो ना तो ये उन आग पे तेल का काम करती है। तुम प्लीज इस तजस्सुस से बाहर निकलो, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे सामने हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं। कभी कभी सब कुछ जाना जरूरी नहीं होता, क्यों बाजू का कुछ मालूम बहुत तकलीफ दे होती है इंसान के लिए।
अम्मी को फोन करके क्या कहूंगा? या आ जाए मेरे पास। इस घर में ये घर जो मेरा है भी नहीं। नहीं, अब अम्मी को लाऊंगा तो वहां जो असल में मेरा घर होगा, जहां मेरी मां फखर और मान के साथ रह सकेगी। मंजिल दूर जरूर है मगर बेनिशान नहीं। अब समझ में आया वो कौन सा एहसास था जिसकी वजह से मेरी मां अपने भाई के पास चली गई। हेलो जी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रहो बेटा, राफिया को भी काम दे दिया को। सारा दिन खुद थकती रहती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है खालू, जब ये दफ्तर गई थी तो घर किसने संभाला था? मेरी बेटी राफिया ने। हर वक्त उसके पीछे ना पड़े रहा करें फजूल में। अगर ये घर संभालती है ना बहू है इस घर की, फर्ज है इसका, एहसान नहीं करती हम पर। अगर यही बात कोई और कहे तुम्हारी बेटी के बारे में तो तुम्हें कितना दुख होगा। सास को बेटी और बहू के बारे में एक जैसा सोचना चाहिए ताकि घर में फसाद ना हो। बहू भी सास को माँ समझे तब ना। आप कैसी बातें कर रही हैं खाला, आप मेरी खाला भी हैं, सास बाद में, आप मेरी माँ की तरह ही हैं। रहने दे बीवी, रहने दे, सब जुबानी कलामी मोहब्बतें जानती हूँ मैं अच्छी तरह। तुम तो हमें पहले ही मुंह लगाती थी, बात नहीं करती थी, अब क्या काक करोगी? भाई परवेश कहाँ है, उठ गया या अभी तक बिस्तर तोड़ रहा है? खालू सो रहा है। छोड़ेंगे सब, आप मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। इस मनहूस घर में कोई खुशखबरी हमें मिल सकती है? अरे बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रही है? पहले ही उसको बुरा समझती हो। हाँ बेटा बोलो। खालू मुझे जॉब मिल गई। खुशी की बात नहीं है बेटा? खुशी तब होती जब तुम ये बताती कि परवेश को नौकरी मिली है। ठीक है इंसान के सारे ख्वाब तो पूरे नहीं होते ना। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया खाला। बेटा कब से जाना है? जी पहली तारीख से। चलें आप नाश्ता कर लें। कितने मजे से इजाजत दे दी आपने, घर के काम कौन करेगा? घर के काम हो जाते हैं जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ हो जाता है। परवेश में अकल आ जाती तो शायद इस बिचारी को नौकरी नहीं करना पड़ती। तनख्वाह कितनी है? साला अभी तो 65,000 है, फिर आगे बढ़ जाएगी। 65,000? लेकिन बीबी तुम्हारे 65,000 की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या करने? तुम अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो। और सुनो एक बात, अपनी माँ को अच्छी तरह समझा देना, जो कुछ भी कर रही हो अपनी मर्जी से कर रही हो, कल को तुम्हारी माँ के हमें आंखें दिखाए कि हमने तुम्हें मजबूर किया। जी खाला अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा तो खुश हो जाए। अच्छा जैसा तुम्हारी मर्जी। सारी हायरिंग कर ली है, तीन लड़कियां और एक लड़के को सिलेक्ट किया है। अच्छा लड़कियों का नाम है मिसेस आसिया,
और हैं मिसेस हादिया परवेज और हैं मिसेस अफशान, जबकि लड़के का नाम है काशिफ सज्जाद। जी हाँ, यही नाम। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि हाशिम साहब कैसा काम कर रहे हैं, समझ गए ना काम को? मैम काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन फैसले करने पे कुछ हेजिटेट करते हैं। कहते हैं कि पहले मैम से पूछ लूं तो फिर बेहतर होगा। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अच्छा बस तुम ऑफिस वर्क पे जरा ध्यान दो, मैनेज कर लो सब चीजें। यू डोंट नीड टू वरी मैम, आई विल टैकल इट, नो प्रॉब्लम। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? मुझे तुम्हारी बेहद परवाह थी, है और रहेगी। अगर आंटी जब मेरी मोहब्बत को एक ड्यूटी बना देंगी तो मुझे तो एक मजबूर मुलाजिम की तरह अच्छे से निभानी पड़ेगी ना। आज शाम में मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। कितने बजे हूँ? अरे नहीं मैं चली जाऊंगी, तो ऐसे ही बता रही थी। नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसकी जरूरत नहीं है हाशिम, ये तो रेगुलर चेकअप है। जरूरत है क्योंकि जब आंटी को इस बात का इल्म होगा कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के लिए गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो मुझे भी बहुत अच्छे से एहसास दिलाएंगे कि मैं चाहता नहीं हूं। तुम डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो कि कहीं मम्मी तुमसे नाराज ना हो जाए? Is that what you mean? मतलब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? पता है किरण, मुझे तुम्हारी बेहद परवाह थी, है और रहेगी। अगर आंटी जब मेरी मोहब्बत को एक ड्यूटी बना देंगी तो मुझे तो एक मजबूर मुलाजिम की तरह अच्छे से निभानी पड़ेगी ना। वही मैं कर रहा हूँ। बताओ मुझे कितने बजे? 6 बजे। मगर उस वक्त तो तुम पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई। मैं इस साल सीएसएस के इम्तिहान नहीं दूंगा, शायद मैं कभी भी सीएसएस ना करूं। आंटी से बात हो तो बता देना। मैं क्यों? मैं कोई शिकायत लगाने का थोड़ी कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम आंटी से सिर्फ मेरी बातें ही करती हो, कभी मेरी कोई चुगली या कोई बुरी बात नहीं की तुमने उनसे, तो ये बात भी उन्हें बता दे। अच्छा अच्छा देर हो रही है, तुम तैयार है ना?
अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? दादी कैसी हैं? अबू कैसे हैं? बेटा हम सब तो ठीक है, तुम कैसी हो? इतने दिन हो गए कोई खबर ही नहीं आई तुमसे, मैं बहुत परेशान थी। जी अम्मी बस थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए वक्त ही नहीं मिल सका। बेटा एक ही तो औलाद है मेरी, मेरे लिए तो वक्त निकाल लिया करो, कभी कभार फोन ही कर दिया करो। अजमल आज ही कह रहे थे कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कहो तो हम दोनों तुम्हारे पास घर मिलने आ जाएं। नहीं अम्मी मैं घर पे नहीं हूँ अभी। क्या क्या मतलब है घर पे नहीं हो, कहाँ हो तुम? वो मैंने जॉब कर लिया तो ज्यादातर यही होती हूँ। क्या तुम नौकरी कर रही हो? क्या उन्होंने जबरदस्ती से तुमसे नौकरी करवाई है? बेटा ऐसे क्यों कर रही हो? परवेज तो वैसे ही हट रहा है, अगर तुमने नौकरी की तो घर बैठ जाएगा और तुम्हारी कमाई पे जीता रहेगा, ऐसे मत करो उसकी आदतें खराब कर दोगी तुम। घर के हालात ही ऐसे, क्या कर सकते हैं, जॉब तो करनी पड़ेगी। बेटा तुम एक काम करो, तुम उन सबको दफा करो, बस घर वापस आ जाओ। तुम्हारी दादी, तुम्हारा बाप, मैं, हम सब चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, बहुत हो गया। क्या कह रही अम्मी आप, ये मैं कैसे अपनी मुश्किलों से भाग सकती हूँ? मुश्किलों से फरार होना बहुत ही आसान बात है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना मुश्किल काम है। बस मैं इन मुश्किलों को हराना चाहती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना, बल्कि मेरे लिए दुआ करें कि सब ठीक हो। ठीक है, अल्लाह। आ गया। जी आ गया खाना, खा लें आप। टाइम देखा है आपने, क्या हो गया? आपकी लाडो रानी अभी तक घर तशरीफ नहीं लाई? फोन आया था, रास्ते में है। एक बार आज घर आए सही, मैंने तो साफ साफ कह देना है कि नौकरी के जो ड्रामे है ना अब नहीं चलेंगे। सैर सपाटे करने के ड्रामे रचाए हुए उसने, घर बैठे आराम से, हमें नहीं चाहिए उसकी नौकरी। नहीं होते मुझसे काम, संभालिए अपना घर। इसके शौहर की फरमाइशें नहीं पूरी होती, मैं नहीं कर सकती इसके शौहर की फरमाइशें पूरी। काम की बारी आई तो उसका शौहर हो गया। वाह ज़ायदा बेगम, तुम भी कमाल की चीज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे मोहतरमा, ये वक्त है आने का? खाला ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, लेट हो गया। सुनो बीबी, ऑफिस की करो छुट्टी, आराम से घर बैठो। दफ्तर का काम वाम नहीं चाहिए, घर का काम करो। मैं नहीं घर का काम कर सकती, तुम्हारा घर है, तुम संभालो। तुम्हारे शौहर को हर दो घंटे बाद भूख लग जाती है, राके ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर लिए। वो काम नहीं करेगी भाई का, तेरा शौहर है, तू जान वो जान। खाला मैनेज कर लेंगे सब, ये ले हम। ये क्या? खोल के देखिए। दीजिए। ये तो पैसे हैं। अरे वाह, लगता है बेगम साहिबा की तनख्वाह आ गई है। लाए भी दिखाएं जरा, मैं भी गिनूं। बकवास बंद कर बेगैरत, बजाय इसके के तू कमाकर इसको दे, इसके पैसों पर नजरें रखी हुई है। ज़ायदा वापस करो इसको, जल्दी दो। लो तुम्हारी कमाई है, हमारे किस काम की? खाला ले, इसे आप अपने पास रखिए, आप घर चला दिए, इसकी जरूरत आपको है। मैंने अपने जेब खर्ची के पैसे ले लिए। नहीं ना, अरे रखें आप, माने मिलेगा। शर्म का मुकाम है। एक मेडिसिन चेंज की है मैंने आपकी, बाकी सब वही है। वैसे शादी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? जी बेहतर महसूस कर रही हूँ। गुड, अच्छा साइन है ये। ज़हनी सुकून और मोहब्बत इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, किरण को दोबारा कब लेकर आना होगा आपके पास? इन्हें जल्दी आने की दोबारा जरूरत नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो ले आइएगा आप, वरना 3 माह के बाद। चले शुक्रिया, चले।
किरण, I think मेरा मोबाइल अंदर रह गया है। तुम जाओ, तुम बैठो, मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं मेरी अम्मी को औलाद की बड़ी ख्वाहिश है। मैंने सुना है कि इस बीमारी में सही सुना है आपने, किरण के औलाद होना बहुत मुश्किल है। मैं इस बारे में आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकती। I'm so sorry. कहां ज़ायदा हादिया की नौकरी छोड़ने का कह रही थी, अब पैसे की लालच में हादिया अच्छी लगने लगी। तोता चश्म, परवेज की तालीम भी तो नहीं है, दूसरा उस हड़ाराम के मियार की नौकरी इस दुनिया में तो है ही नहीं। पता नहीं क्या होगा। दुकान से तो कोई खास आमदनी है ही नहीं, कैसे चलेगा ये घर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वाह भी वाह, कमाने की इजाजत तुम्हें मैंने दी थी और जब पहली तनख्वाह मिली तो वो लाकर अपनी सास के हाथ में रख दी है। शौहर की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नजर में। वो शौहर कोई और होते हैं जिनसे बीवियां इजाजत लेती हैं। तुम जैसे शौहर से बीवियां सिर्फ तलाक लेती, जो मैं नहीं ले रही। कमाल है भाई। वैसे आज से पहले सिर्फ सुना था कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज देख लिया है, यानी जेब में पैसे क्या आ गए, मुंह से तलाक जैसा लफ्ज निकलना शुरू हो गया। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें काम पर जाने की इजाजत मैंने दी थी ना, जब चाहूं तुम्हें रोक भी सकता हूं, जब चाहूं तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुम्हें कमरे में बंद कर सकता हूं, समझियो। फिर ये तलाक वलाक जो है ना, ये तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे दी जाती है। जाओ जाके पैसे मुझे ला के दो। जाओ, खाला को दिए मैंने पैसे, उनसे ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम कल से नौकरी पर नहीं जा रहे। बस ठीक है, नहीं जाऊंगी। अब हटो रास्ते से, नींद आ रही है मुझे। बकवास बंद करो, अब चाय बना के लाओ मेरे लिए। राफिया से बनवा लूं, मैंने कहा ना मैं थक गई हूँ। सारा दिन गैर मर्दों के साथ आगे पीछे घूमना फिरना, उस वक्त तो बड़ी हिम्मत होती है। घर आके तुम्हारे हाथ पैर में रख शुरू हो गई है। अच्छा, जब मैं दिन भर गैर मर्दों के साथ जॉब करती हूँ तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अचानक तुम्हारी गैरत जाग गई। अब जब तुम्हारी गैरत जाग ही गई है तो फिर मेरी कमाई पे नजर क्यों है तुम्हारी? क्यों मांग रहे हो मुझसे मेरी कमाई? जाओ जाके खुद जॉब करो, खुद कमाओ, फिर दिन भर मुझसे जितनी चाय बनवाओगे मैं उतनी चाय बना दूंगी।